my friends and welcome back to my channel. So guys, आज संडे है और वीकेंड है, बच्चों का वेकेशन भी चल रहा है, तो बच्चे प्लान कर रहे हैं कि कहीं घूमने चलते हैं। तो मैंने एक जगह फाइंड की है, ये जगह अप्रोक्सीमेटली पठानकोट से 25-26 किलोमीटर है। सुना है ये बहुत अच्छी जगह है, मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस और आपको वहाँ की लोकेशन सब दिखाऊंगा, मुझे कैसी लगी है ये भी बताऊंगा और वीडियो देखने के बाद आपको कैसी लगेगी ये कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, सबसे पहले अगर आप मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मेरे चैनल पर नए हो, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं। सो गाइस, मैं रेडी हो चुका हूँ, बस निकलने वाले हैं, बच्चे रेडी हो रहे हैं, तो चलो चलते हैं एक नए डेस्टिनेशन पे। तो दोस्तों, अगर आप गोवा, मुंबई और दमनदीप जैसे बीच समंदर तट पर घूमने के बाद किसी आकर्षक और शांत समंदर तट की तलाश में हैं, तो आपकी ये खोज भारत देश के बीचों बीच बसा एक छोटा सा शहर पठानकोट से 25 किलोमीटर दूर जाकर खत्म हो जाएगी। ये जगह बसोली के पास पुरथू में स्थित है। इस विशाल झील का निर्माण महाराजा रणजीत सागर बांध के पानी से हुआ है, इसी वजह से इस जगह को मिनी गोवा भी कहा जाता है। रविवार को यहाँ काफी पर्यटकों को देखा जा सकता है। यहाँ का मौसम पर्यटकों को खास तौर पर अपनी तरफ आकर्षित करता है। यहाँ मनोरंजन के लिए बहुत कुछ मौजूद है। अक्सर यहाँ सैलानी परिवार और दोस्तों के साथ शाम बिताते हुए यहाँ पहुँचते हैं। कुछ ही समय में पुरथू ने काफ़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित किया है, जिसकी वजह से इसके तट को गोवा की तरह कहा जाने लगा है। पठानकोट से निकलकर जब हम जुग्याल की तरफ से रणजीत सागर डैम की तरफ आएंगे, तो सबसे पहले ये व्यू पॉइंट आएगा। ये रास्ते में व्यू पॉइंट इसलिए बनाया गया ताकि हम यहाँ पर खड़े होकर आराम से इस व्यू का नज़ारा ले सकें, ये काफ़ी अच्छा है। इस व्यू पॉइंट से थोड़ा सा ही आगे जाकर हमें दो रास्ते मिलेंगे, हमें राइट टर्न लेना है और राइट टर्न लेकर अप्रॉक्सीमेटली 3-4 किलोमीटर आगे जाके ये बोर्ड आएगा और यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न लेना है। ये रास्ता हमें झील के एकदम पास ले जाएगा, जिस जगह को मिनी गोवा कहते हैं। ये रास्ता अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ अभी सड़क बन रही है तो काम लगा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से, ये थोड़ा पहाड़ी एरिया है। ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता है जो ख़राब है, क्योंकि अभी सड़क बन रही है। तो जैसे जैसे हम झील के पास पहुंचते हैं, हमारा एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है। तो अभी पहुंचकर हमने सबसे पहले पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, यहाँ पार्किंग की पूरी व्यवस्था है। यहाँ काफ़ी लोगों का उत्साह है इस जगह को देखने का, और स्थानीय लोग और आसपास के लोग और दूर से भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ लोग अपनी शाम बिताने पहुँचे हुए हैं। ये झील के एकदम पास से मैंने इन नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की है, आशा करता हूं आपको अच्छे लग रहे होंगे। थोड़ी धूप की वजह से यहां अभी थोड़ा सा गर्मी है, अदरवाइज नज़ारा
वाकई में काबिले तारीफ है। यहाँ बोटिंग की भी व्यवस्था है। अगर आप पानी के पास जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, लेकिन बच्चों को पानी के एकदम पास मत जाने दें। आप पानी को छूकर महसूस कर सकते हैं, बहुत ठंडा पानी है और एकदम शांत है। सो गाइस, ये यहाँ का खूबसूरत नज़ारा मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। लेकिन शाम के समय पे यहाँ पे ज़्यादा बेटर है आना, क्योंकि उस समय ठंडी हवा भी चल रही होगी और थोड़ा छांव भी होगी। ज़्यादा धूप के कारण इधर अभी थोड़ा पेड़ कम है, जिससे थोड़ा हमें अभी धूप में गर्मी लग सकती है। ये पठानकोट से 25-26 किलोमीटर के आसपास है और ये संडे को या वीकेंड पे ये बहुत अच्छी जगह है पिकनिक मनाने के लिए अपने फैमिली के साथ। मेरे को तो सच में बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ का व्यू देखो, यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं। मैं आपको इधर का दिखाता हूँ सारा नज़ारा। यहाँ पे हम लोग हॉर्स राइडिंग का भी मजा ले सकते हैं। ऊपर आप राइड करके थोड़ा घूमने का नज़ारा ले सकते हैं, क्योंकि अंदर अपनी बाइक और अपना कुछ भी स्कूटर वगैरह लेके आना उचित नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये एटीवी बाइक्स हैं, इनके ऊपर आप राइड करके यहाँ का नज़ारा ले सकते हैं। तो भैया क्या बना रहे हो आप? ठीक है।
फ्रेंड्स, अभी इधर मौसम काफी अच्छा हो गया है और हवा भी चलनी शुरू हो गई है और मजा आने लगा, लेकिन अब सूरज ढलने वाला है और मेरे को अपने परिवार के साथ घर वापस भी पहुंचना है। मैं कोशिश करूंगा अनदर फिर किसी वीकेंड पे ऐसी खूबसूरत जगह पे दोबारा वापस आऊं अपने परिवार के साथ, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको यहाँ का व्यू, यहाँ के नज़ारे कैसे लगे। लोगों की भीड़ अभी भी बढ़ रही है, लेकिन अब हमें घर निकलना है वापस। तो सबसे पहले हम पार्किंग में गए और पार्किंग में पहुंचकर हमें यहां पर पहुंचने के लिए एक और रास्ते का पता चला, जो एक और रास्ता है यहां पर आने जाने के लिए, क्योंकि वो रास्ता खराब था जिस रास्ते हम आए थे यहां पर, क्योंकि अभी सड़क वहां पर बन रही थी, तो लाजमी था हमारा किसी से पूछना किसी और रास्ते के लिए। तो हमें एक और नया रास्ता मिला। ये रास्ता ठीक है, ये धार कला में एक टर्न आएगा, ये टर्न है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये यहाँ पर साइड पे बोर्ड लगा हुआ है, ये थोड़ा फंगोता झील करके लिखा हुआ है, ये रास्ता है जो नीचे हमें उस झील तक ले जाता है। ये धार कला चौक पर ये मोड़ आएगा, तो आप उस रास्ते भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लो यार, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनको भी इस जगह पे आने का मौका मिले। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।